अगर आपको घुटने में आर्थराइटिस है और इनकी वजह से जब भी आप चलते हो आपकी बॉडी एक साइड पर झुक जाती है, और अगर आप इनको करेक्ट करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसे एक आसान एक्सरसाइज सिखाने वालों की जिनको अगर आप नियमित करते हो तो चलते वक्त जो आपकी बॉडी एक साइड पर झुक जाती है इसमें आप फायदा ले सकते हो। तो यहां पर इस वीडियो में हम यह एक्सरसाइज जानेंगे और इनके पीछे का साइंस क्या है वह भी डिटेल में आपको सिखाने वाले हैं। तो यह एक्सरसाइज को करने के लिए हमें इस तरीके से एक साइड पर लेट जाना है, इनके बाद नीचे वाले पैर को एकदम सीधा कर देना है, ऊपर वाले पैर को घुटने में से बेंड करना है, और जो हमारा फुट है वह फुट को घुटने के पीछे इस तरीके से एंकर बना के रख देना है, और जो हमारा घुटना है इनको इस तरीके से आगे टिका देना है, ऊपर वाले हाथ का आगे ऐसे सपोर्ट लेना है, हेड को नीचे रख देना है। इनके बाद फिर हाथ को अच्छी तरीके से आगे दबाना है, इनको नीचे दबा के हमारा जो यह वाला घुटना है वह घुटने को इस तरीके से ऊपर उठाना है। कहाँ तक ऊपर उठाना है? जहाँ पर हमारी जो यह थाई है वह जमीन के पैरेलल हो जाए, यानी कि एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाए, वहाँ तक हमें यह वाले घुटने को ऊपर उठाना है। यहां पर उठाते वक्त आपको खास ध्यान में रखना आपकी जो कमर है वह न्यूट्रल रहेगी, इस तरीके से पीछे कमर नहीं झुकनी चाहिए, यानी कि कमर के मसल का इस्तेमाल करके हमें घुटने को ऊपर नहीं उठाना है, यह बात आपको खास ध्यान में रखनी है। तो यहां पर हाथ को नीचे दबाना है, इनके बाद फिर इस तरीके से घुटने को ऊपर उठाना है, एकदम हॉरिजॉन्टल हमारी थाई हो जाएगी, ऊपर आके 10 काउंट होल्ड करना है, इनके बाद फिर नीचे रख देना है। तो इस जगह पर आपको अच्छी ताकत महसूस होनी चाहिए, इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। दूसरी साइड पर भी हमें यह एक्सरसाइज को करना है। तो वापस से जान लेते हैं, एक साइड पर इस तरीके से हमें लेट जाना है, नीचे वाले पैर को एकदम सीधा कर देना है, ऊपर वाले पैर को घुटने में से इस तरीके से मोड़ना है, और जो हमारा फुट है वह फुट को घुटने के पीछे इस तरीके से रख देना है, इनके बाद घुटने को आगे टिका देना है, ऊपर वाले हाथ का आगे सपोर्ट लेना है, हेड को नीचे टिका देना है, इनके बाद यह वाले हाथ को जमीन पर दबा के यह घुटने को ऊपर इस तरीके से उठाना है, हमारी जो थाई है वह जमीन के पैरेलल यानी कि एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाए वहां तक इस तरीके से ऊपर उठाना है। कमर आपकी न्यूट्रल रहेगी, कमर इस तरीके से पीछे घूमनी नहीं चाहिए, हाथ को आगे दबा के रखना है। इस जगह पर आपको अच्छी ताकत महसूस होनी चाहिए, ऊपर आके 10 तक गिनती करनी है, इनके बाद इनको रिलैक्स कर देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करने हैं, दोनों साइड पर यह एक्सरसाइज को हमें करना है। तो यह एक्सरसाइज को नियमित करने से हमारे हिप के जो ग्लूटियल मसल्स होते हैं वह एक्टिवेट होते हैं, और उसमें भी हिप के बाजू पर जो ग्लूटियस मीडियस मसल होता है वह हमारे बॉडी को सीधा रखने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाते हो तो राइट साइड का जो ग्लूटियस मीडियस मसल होता है वह एक्टिवेट होता है, और वह मसल हमारे पेल्विक को लेफ्ट साइड पर गिरने से बचाता है। इसी तरीके से अगर आप अपने राइट लेग को ऊपर उठाते हो तो लेफ्ट साइड का जो ग्लूटियस मीडियस मसल होता है वह एक्टिवेट होता है और हमारे पेल्विक को राइट साइड पर गिरने से बचाता है। इसी तरीके से चलते वक्त दोनों साइड के ग्लूटियस मीडियस मसल बारी बारी एक्टिवेट होते रहते हैं और हमारे पेल्विक को बैलेंस में रख के हमारे बॉडी को सीधा रखने का काम करते हैं। पर यहां पर अगर आपको हिप या फिर नी जॉइंट में आर्थराइटिस हुआ है या फिर आपका हीप या नी रिप्लेसमेंट कराया हुआ है, इनके बाद वह साइड का जो ग्लूटियस मीडियस मसल होता है वह वीक होने लगता है, इनके बाद वह साइड पर हमारी बॉडी लीन करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस मसल वीक हुआ है तो जब भी आप अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाते हो तो राइट साइड का जो ग्लूटियस मीडियस मसल होता है वह एक्टिवेट नहीं हो पाता है और हमारा जो पेल्विक है वह लेफ्ट साइड पर गिरता है, और इनको बैलेंस करने के लिए हमारी जो अपर बॉडी होती है वह राइट साइड यानी कि सेम साइड पर लीन करना शुरू कर देती है। तो इनका इलाज क्या है? हमें यह ग्लूटियस मीडियस मसल को एक्टिवेट करना है, इनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो इनके लिए जो हमने एक्सरसाइज आपको सिखाई, इनको नियमित करना शुरू कर देना है। तो यहां पर यह एक्सरसाइज को आज से करना शुरू कर दीजिए।
तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।